नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। संभवतः जिनपिंग की समझ में बात आई होगी कि मोदी से पंगा कितना भारी पड़ सकता है। उसे भारत को छेड़ने से पहले मोदी के छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का संदेश भी सुन लेना चाहिए था। अगर उसे यह संदेश सुनने की फुर्सत भी नहीं मिली हो तो मलेशिया के पूर्व पीएम मात्र मोहम्मद से सबक लेना था। इससे भी थोड़ा पीछे जाते तो पाकिस्तान, म्यांमार और तुर्की से सीख लेनी चाहिए थी। मगर शी जिनपिंग खुद ही कुएं का मेंढक बनकर फुदक रहे हैं। परंतु इस चीनी राष्ट्रपति की हालत वही होने वाली है कि सारी रात रोते रहे मगर सुबह तक मरा कोई नहीं, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने। आने वाले चंद दिनों में लद्दाख में यही कहावतें चरितार्थ होती दिखाई देगी। वैसे एक वक्त यही हनक सनक और धमक महातिर मोहम्मद ने भी दिखाई थी। आज महातिर न केवल मलेशिया की सत्ता से बाहर हैं, बल्कि उनका राजनीतिक कैरियर तक चौपट हो चुका है। कल ही उनकी पार्टी ने महातिर को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जिनपिंग को याद रखना चाहिए कि मलेशिया में मार्च महीने में हुए बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद महातिर ने कहा था कि वे भारत से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और पीएम नरेंद्र मोदी एक चतुर लीडर हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान परस्त की कीमत उन्हें अभी तक चुकानी पड़ रही है। आज मलेशिया में मोहिउद्दीन यासीन के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसकी जुबान पर कश्मीर तो क्या पाकिस्तान का नाम तक नहीं आता है। यानी मलेशिया के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी समझ गए हैं कि मोदी किस कूटनीतिक अंदाज में भारत के विरोधियों को धूल चटाते हैं। शी जिनपिंग के लिए भी अब ऐसी ही कूटनीतिक बिसाते बिछाने का चक्र शुरू हो चुका है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ 25 देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। इस आशय की खबर मिलते ही चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। चीन की घबराहट की वजह यही है कि अमेरिका यह युद्ध अभ्यास प्रशांत महासागर के हवाई में करने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें भारत भी शामिल किया गया है। यह युद्ध अभ्यास 17 से 31 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें 25,000 से ज्यादा जवानों के भाग लेने की संभावना है। इसी के साथ ही चीन के खिलाफ दुनिया लामबंद भी हो चुकी है। इसमें भी भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। चीन के विरुद्ध इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एकजुट हो गए हैं। चारों देशों ने चीन के खिलाफ दुनिया में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जल्दी बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। G7 देशों की तरह D10 संगठन बनाने का प्रस्ताव है। इसमें दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। G7 के 7 देशों के साथ ही 3 नए देशों को जोड़ा जाएगा। इनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत होगा। खास बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण इसका नेतृत्व भारत करता दिखाई देगा। यानी चीन और उसकी चमगादड़ सेना के पर कुतरने के लिए अब एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के मुद्दे ने जहां चीन की विस्तारवादी नीति की पोल खोलकर रख दी है, वहीं भारत को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देश भारत के साथ खड़े हैं। इससे चीन न केवल भारी दबाव में है, बल्कि वह चौतरफा भी घिर चुका है। बड़ी बात यह है कि चीन का पिट्ठू पाकिस्तान उसके समर्थन में 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। दुनिया के बदलते माहौल को देखकर उसने अपनी चोंच पर ताले जड़ दिए, क्योंकि सऊदी अरब, तुर्की और मलेशिया जैसे मित्र देश खुलेआम चीन के खिलाफ खड़े हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्हीं देशों ने चीन भारत के मामले में उसे चुप रहने की हिदायत दी है। यानी जहां अमेरिका का प्रभाव नहीं चल पा रहा है, वहां वे दूसरे रास्तों से चीन को अलग थलग कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कल तक अमेरिका को आंखें दिखाने वाला चीन अब घुटनों पर आने लगा है। उसने आज ही बयान दिया है कि भारत से चल रहा सीमा विवाद सुलझने के करीब है, मगर इससे चीन का पीछा छूटने वाला नहीं है। उसकी हनक और सनक निकालने के लिए ट्रंप पूरी तरह कमर कस चुके हैं। अमेरिका कोरोना की वजह से 1,00,000 से ज्यादा नागरिकों को गंवा चुका है। जब तक चीन बर्बाद नहीं हो जाएगा, अमेरिका उसे बख्शने वाला नहीं है। इसके लिए अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक दोनों विकल्पों पर काम कर रहा है। ट्रंप ने आज चीन को लेकर एक और प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने पीएलए से जुड़े चीनी छात्र को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये चीनी छात्र अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी इस वक्त दुनिया को केवल 3 मुल्कों से खतरा है, जिनमें चीन इनका अगुवा है, उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान उसके पिछलग्गू है। अब इन 3 तलंगों को ठोकने का वक्त आ चुका है और संभवतः इसका सूत्रधार भारत ही बनेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।